नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और संजय राउत के बीच शुरू हुए विवाद अब कंगना के ऑफिस टूटने तक पहुंच गया है। बीएमसी ने बुधवार को कंगना रनौत के ऑफिस पर अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस लगाया और उसके तुरंत बाद उनके ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों के साथ कंगना के दफ्तर पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इस बीच कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कहा है। कंगना रनौत ने एक साथ कई ट्वीट किए और कहा कि मैं कभी गलत नहीं होती हूं और मेरे दुश्मनों ने ये फिर से साबित कर दिया है, इसलिए मेरी मुंबई अब POK बन चुकी है। #DeathOfDemocracy। कंगना ने ऑफिस की कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जहां कुछ मुंबई पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी और सिविल ड्रेस में अधिकारी जैसे कुछ लोग दिख रहे हैं। कंगना ने एक ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान #DeathOfDemocracy। कंगना ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तस्वीरें शेयर कर लिखा कि बाबर और उसकी सेना। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई, ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे मेरी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से गिराना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।